जितनी गुजराती मैच, तालियों के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। गांधीनगर की जनता ने आज दागे जबरदस्त सवाल और नेताओं ने दिया है। मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं कि मेरे 50 साल के करियर पर कभी कोई दाग नहीं लगा और ऐसी बात करना शोभनीय नहीं है। दाग तो कांग्रेस में लगा हुआ है, इतना बड़ा दाग लगा हुआ है। आज अंजना जी, आज फोटो आए हैं पी चिदम्बरम का तालिबान के अध्यक्ष के साथ बैठे पट्टा हुए। के फोटो मोदी जी के तालिबान साथ का पी चिदम्बरम का क्या मोदी जी की, तो इसका क्या मतलब हुआ? अफरोज पट्टा जी, मैं एक सवाल पूछूं आपसे, उसके फोटो मोदी जी के साथ मोदी जी की वेबसाइट पर, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी आतंकवादियों के साथ थे, आरोप नहीं लगा, आरोप लगा रहे तो क्यों पूछ रहे हैं? छोड़ दीजिए ना, बात करो, आरोप लगा रहे तो क्यों बोल रहे हैं? छोड़ दीजिए, नौजवान की बात करो, बेरोजगार की बात करो। मोदी एक विकास, एक सेकंड सवाल जवाब बात तो सुनिए। मोदी जी का विकास रथ रुकने वाला नहीं है, मैं उनका कंपैरिजन महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज के बराबर करना चाहता हूँ। काने की कोशिश हो रही है, उस पर लोग क्या सोचते हैं, आज यही दागेंगे सवाल। और शुरुआत करते हैं संबित पात्रा से। डॉक्टर साहब, जरा ये बताइए कि ये तो पुरानी रीत है आपकी, मियां मुशर्रफ करके भी कभी आप लोग चुनाव जीतने की कोशिश करते थे, फिर पाकिस्तान की एंट्री करा दी, मतलब तरीका पुराना है, विकास एजेंडा नहीं है आपका, एजेंडा पाकिस्तान है, पाकिस्तान की नीयत है, और आपको लगता है इसी पर जनता भावनाओं में बह के वोट दे रही। देखिए, पाकिस्तान का एंट्री किसने कराया? पाकिस्तान के पूर्व मंत्री खुर्शीद जी भारत शादी अटेंड करने आए थे, पूर्व प्रधानमंत्री भारत के मनमोहन सिंह जी आइए 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 मेरे घर में खाना खाई, अरे शादी में जाकर अपना गरम पूरी हलवा खा के पाकिस्तान वापस चले जाते, क्या आवश्यकता थी अपने घर में एंट्री कराने की? मनमोहन सिंह जी चुपके रात को क्या मीटिंग करते हैं, अगले दिन जब प्रधानमंत्री ने सवाल पूछा कि आखिर क्या बातचीत हुई थी, वही आनंद शर्मा निकलकर बोलते हैं हम मुलाकात भी हमने नहीं की थी, कोई बातचीत नहीं हुई थी। जब चैनलों के माध्यम से सत्य सामने आता है तब आज आनंद शर्मा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं हां मुलाकात तो हुई थी, तो क्या हो गया, तो क्या? अरे भैया, क्यों हुई थी मुलाकात ये बताइए। ये वही मणिशंकर अय्यर है जो पाकिस्तान में जाकर कह रहे थे मोदी सरकार को गिराना होगा, मोदी को हटाना होगा। अरे गुजरात की जनता बैठी है, किसी में दम नहीं है, पाकिस्तान में दम नहीं है, ये पाकिस्तान कौन है मोदी को हटाने वाला? पाकिस्तान मोदी को खरोच भी नहीं कर सकता है, मैं ये दावा करता हूं। आप पाकिस्तान के सहारे हटा के दिखाइए। जी जवाब दीजिए, सच क्या है? देखिए, जिताया मोदी जी को गुजरात के लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने, लेकिन शपथ तब तक नहीं लूंगा जब तक मियां नवाज शरीफ नहीं आ जाएंगे दिल्ली। क्यों भाई, मियां नवाज शरीफ ने जिताया था आपको? अरे जिताने वाले ये लोग बैठे हैं, इनका अपमान करवाया आपने। मियां नवाज शरीफ आइए, पहले छोले भटूरे खाइए, फिर मैं शपथ लूंगा। क्यों साहब, चलिए वो भी हो गया। अब पहले तो उधमपुर में आतंकवादी हमला हुआ, फिर गुरदासपुर में हुआ, लेकिन नहीं, मियां नवाज शरीफ केक कहां से बना है उसमें अंडा मत डलवाना, मैं आ रहा हूं केक कटवाने। ना ना ना, ये अंडा मत डलवाना, ये गुजरातियों का अपमान मत करिए। गुजराती अगर वेजिटेरियन है, ये अंडा मत डलवाना, मैं वेजिटेरियन हूँ, ये सब कहकर गुजरातियों का अपमान मत करिए। केक खाकर लौटे और वहाँ हमला हो गया जी पठानकोट में, फिर वहाँ ISI को ले आए। आइए देखिए, आप ही जांच कर लीजिए, ISI पे भरोसा करोगे बताइए? लेकिन मोदी जी ने भरोसा किया और ISI को पठानकोट के बेस के ताले खोल के दे दिए, जाइए अंदर जाके देख कर आइए। ये कैसा पाकिस्तान प्रेम है मोदी साहब? जवाब दीजिए संबित पात्रा जी, इसके बाद आप लोगों के सवाल लेंगे, जल्दी से संबित। देखिए, यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि मोदी साहब पाकिस्तान से प्यार कर रहे हैं। मैं गुजरात की जनता से पूछता हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक किसने किया, राहुल गांधी ने किया या मोदी जी ने किया? किसने किया सर्जिकल स्ट्राइक? और जब सर्जिकल स्ट्राइक, मैं बीच में नहीं बोल, सुन लीजिए, बांग्लादेश किसने बनाया? सर्जिकल स्ट्राइक, अंजना जी, मैं कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं, सर्जिकल, सुनिए सुनिए, सर्जिकल स्ट्राइक किया मोदी जी ने। सर्जिकल स्ट्राइक के पश्चात कांग्रेस पार्टी ने पानी पी पी के मोदी जी को और इंडियन आर्मी को गाली दी, कहा कि इंडिया की आर्मी सड़क छाप आर्मी है, इंडिया के आर्मी के जो अध्यक्ष है वो सड़क के गुंडे। साहब, मैं आपके बीच में तो बोल नहीं रहा था, मैं आपके बीच, देखिए जरूर, ये हार की बौखलाहट है, ये हार की बौखलाहट है, ये हार की बौखलाहट है।
सवाल लेते हैं लोग। सुब्रमण्यम स्वामी का नाम सुना है? हमारा सवाल है कांग्रेस से, ठीक है सर? सवाल पूछ रहे हैं, चलिए खूब सारे सवाल है, छोटे छोटे सवाल और सीधा सवाल। हमारा सवाल है कांग्रेस से, आप मुख्यमंत्री जाहिर क्यों नहीं कर रहे हो गुजरात में, बताइए सर। कौन पूछना चाहता है? हमारी पार्टी में अमित शाह नहीं तय करते जैसे इनकी पार्टी में अच्छा, होता है भैया, रिमोट कंट्रोल इनके पार्टी में पाकिस्तान तय करता है। हमारी पार्टी में एमएलए तय करता है इनके पार्टी में, जो चुने हुए एमएलए हैं वो तय करते हैं, इनके यहाँ रिमोट कंट्रोल से रिमोट कंट्रोल। अरे 10 जनपद वाले रिमोट कंट्रोल की बात कर रहे हैं, बहन हट जाती है। अरे साहब रूपाणी जी को लाओ, रूपाणी जी आ जाते हैं, फाइलें जाती हैं हर शुक्रवार को दिल्ली में, अमित शाह देखते हैं उन फाइलों को। अगला सवाल हमारे यहाँ सिस्टम, मेरा सवाल कांग्रेस से है कि ये लोग जाति में लोगों को बांट के क्यों राजनीति करते हैं, लोगों के बीच में झगड़ा क्यों कराते हो? आप लोगों ने लोगों को बांट दिया है। हम किसी जाति में किसी को नहीं बांट रहे, हम जो जो लोग नाराज हैं, दुखी हैं, परेशान हैं इस सरकार से, वो हमारे साथ आ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। अगला सवाल कौन पूछेगा, जल्दी हाथ उठाइए, आइए आइए जल्दी आइए। यहाँ पर गुजरात में जो शैक्षणिक का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसकी क्या, उसके बारे में भाजपा क्या कहना चाहेगी? जो पब्लिक कमेटी, पेरेंट्स की कमेटी बनाने की बात की थी उसका भी कोई, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी ने कोई एक आंसर नहीं दिया है। चलिए देखिए, अब आपने शिक्षा से जुड़ा हुआ सवाल पूछा है, संबित पात्रा जी इस पर कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं नहीं, बोलेंगे, तैयार हूं, बोलेंगे, मैं बिल्कुल तैयार, बोलेंगे कि हमारी सरकार कर रही है। नहीं, 17,000 नए स्कूल मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने के पश्चात यहाँ खुले, और जो ड्रॉप आउट रेट था, ड्रॉप आउट बीच में नहीं, बीच में नहीं, जवाब सुनते प्लीज देखिए, जो ड्रॉप आउट रेट पहले 36% था वो कम होके 1.5% हुआ। गलत, सरकारी स्कूल के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि जनता जवाब दे, पहले जो सरकारी स्कूल गांव में एक कमरे का था, पानी में यहाँ यहाँ तक डूबा हुआ था, कीचड़ था, आज चार चार पाँच पाँच कमरे का ये सरकारी स्कूल प्रत्येक गांव में है, 17,000 नए स्कूल खोले गए हैं। कौन सवाल पूछेगा, सवाल कौन पूछेगा, आइए आइए। कांग्रेस से ये है कि जो लीडर रहता है, इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस और भाजपा दोनों, जो लीडर रहता है जब उनकी आप कंपैरिजन करते हो तो कौन से पैरामीटर पे उनकी कंपैरिजन आप करते हो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और पूरा इंडिया जानना चाहता है। बिल्कुल सही बात है, देखिए इनकी उत्सुकता राहुल गांधी की काबिलियत को लेकर है, क्योंकि आज ही अध्यक्ष बने, बिल्कुल आज ही अध्यक्ष बने। जवाब देखिए, हम जिस पार्टी से हैं, भले वो राहुल गांधी हो, मैं हूं, या हमारे और साथी जो यहाँ हैं कांग्रेस के हैं, हम सब एक विरासत को लेकर चल रहे हैं, वो विरासत है राष्ट्र प्रेम की विरासत। इस विरासत के चलते हिंदुस्तान को आजादी दिलवाई, माफ कीजिएगा, संबित पात्रा जी की पार्टी या इनकी विचारधारा को आजादी के आंदोलन में कोई रोल नहीं था, महात्मा गांधी के साथ ये लोग नहीं थे। एक सवाल पूछ लूं, महात्मा गांधी, सवाल पूछ लूं, बापू इसी धरती के बापू, वो भी कांग्रेस के हमारे सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, लेकर आगे बढ़ रहे हैं, सोनिया गांधी कौन से जिले से स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध लड़ रही थी, बता दें, सोनिया गांधी कौन से जिले से लड़ रही थी जो उस वक्त जंग नहीं हुआ, सोनिया गांधी जी के परिवार के खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे, आप बोल रहे हैं कि आप लोग स्वतंत्रता संग्राम का लड़ रहे थे लड़ाई, सोनिया जी और उनके परिवार, राहुल गांधी दरअसल राजनीति में है ही एक ऐसा मुद्दा, ये नब्ज है, कमजोर नब्ज के लीजिए कांग्रेस पार्टी की, उस पर वो बोलना बंद नहीं करेंगे। इधर संबित पात्रा जी का फेवरेट टॉपिक भी राहुल गांधी है, लेकिन एक ब्रेक के लिए मजबूरन रुकना ही पड़ रहा है, यहीं से सवाल आगे लिए चलेंगे, क्योंकि अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। संबित पात्रा जी, मियां मुशर्रफ छोड़िए, जब बिहार के चुनाव थे तब ये कहा था अमित शाह, कुछ और सवालों के साथ शुरुआत करते हैं, ये शख्स एक सवाल आप जल्दी से पूछिए। सबसे पहले तो गुड इवनिंग दोनों साहब के लिए और सभी को मेरा हार्दिक कामनाएं। अरे हार्दिक मत बोलो आजकल, हार्दिक शब्द का बड़ा अलग मतलब है गुजरात में। सवाल पूछिए जल्दी, दो मिनट के लिए शोर मत करना, क्योंकि मैं सवाल ऐसा पूछना चाहता हूँ कि अभी जो अनामत के बारे में सब, सवाल पूछिए सर, लेकिन ये सवाल ही ऐसा है कि दो मिनट, अरे प्रभु तू इतना प्री रोल बना रहा है, पूछना जल्दी। ये सब लोग ये कहते हैं इनको अनामत मिलेगा, इनको अनामत मिलेगा, लेकिन हम सबसे पहले जब छोटे बच्चे थे तब से ही बोलते हैं भारत हमारा देश है और सभी भारतीय हमारे भाई बहन है, तो सबके लिए समान था, तो फिर ये अनामत वाली क्यों सिस्टम ला दी? क्या कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि अनामत हटा दो, सब भारतीयों को? देखिए देखिए, हम एक यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी, सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी के बाहर हैं, और यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म करना चाहिए, हिंदुस्तान को सोचना चाहिए, और आपने हार्दिक से हाथ मिलाया है ताकि आप लॉलीपॉप दिखा दें आरक्षण का और जनता आपकी तरफ। देखिए, हम पिछले 15 साल से सुन रहे हैं
गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, मैं तो इसको गुजरात मॉडल कहना गलत है। गुजरात का कोई मॉडल असफल हो ही नहीं सकता, गुजराती कभी फेल नहीं होता। ये मोदी मॉडल है, तो मोदी भी गुजराती है, वो फेल नहीं हो सकता। मॉडल ही गलत करो, इसका पूरा जवाब है गुजरात का। अगर इतना ही सफल होता के लिए रुकना पड़ा तो क्यों आरक्षण की जरूरत पड़ती, क्यों सब जगह से आरक्षण की मांग आ रही है? इतना ही सफल होते मोदी जी की नीतियां इधर तो आरक्षण की जरूरत ही नहीं होती। चलिए ठीक है, यहीं से सवाल को आगे लिए चलेंगे। आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। राज तिलक जारी है, ब्रेक के बाद भी देखते रहिए आज तक का स्वागत है। नाम में गांधी लेकिन इस सियासत का गांधी से कोई लेना देना नहीं है। जाति आरक्षण और पाकिस्तान जिसके नाम पर यह सियासत गुजरात की जमीन पर तमाम पार्टियां खेल रही हैं, और इसी पर आज गांधीनगर में लोग सवाल जवाब कर रहे हैं। संबित पात्रा, पवन खेरा हमारे साथ मौजूद है। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है, आज 3 रोड शोज कैंसिल किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रोड शो कैंसिल किया गया, वो मान गए। राहुल गांधी का रोड शो कैंसिल किया गया, वो भी मान गए। लेकिन गुजरात में नए तरह के समीकरण और आरक्षण की मांग करने वाले हार्दिक पटेल नहीं मांगे, कानून तोड़कर रोड शो किया। और अभी अहमदाबाद के बापूनगर में उनकी ऐसे ही रोड शो पर पथराव हुआ है। जो खबर आ रही है उसमें ये भी है कि क्या बीजेपी समर्थकों ने ऐसा किया है। तस्वीरें हम आपको इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अहमदाबाद के बापूनगर में दरअसल ये रोड शो हार्दिक पटेल कर रहे थे, और वहीं पर उनके रोड शो पर ये पथराव किया गया है। संबित पात्रा जी, ये क्या हो रहा? मैं भी यही पूछ रहा हूँ, ये हो क्या रहा है? जब प्रधानमंत्री जी को मना किया गया कि आप रैली मत करिए, देश के प्रधानमंत्री, गुजरात के बेटे, उन्होंने रैली नहीं किया। जब आदरणीय राहुल जी को भी मना किया, उन्होंने भी रैली नहीं किया। मगर सभी कानून को ताक में रखकर, देखिए गुजरात के लोग कभी भी हिंसा नहीं चाहते, गुजरात के लोग उद्यमी लोग हैं, वो एनार्की नहीं चाहते। आज जिस प्रकार से हार्दिक ने सभी कानून को तोड़कर, सभी कानून की धज्जी उड़ाते हुए कह दिया है कि मैं कानून को नहीं मानूंगा, मैं आज गुजरात की जनता से बोलता हूं, कानून बड़ा या व्यक्ति बड़ा? मुझे लगता है कानून बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं। सर कानून नहीं चलेगा ना सर, पत्थर थोड़ी चलेगा। बिल्कुल, कौन पत्थर चला रहा है? ये कानून, कौन पत्थर चला रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, तो पुलिस 22 वर्षों तक, एक सेकंड, 22 वर्षों तक, 22 वर्षों तक कोई पत्थर नहीं चला। आप अंजना जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, अंजना जी यहां बैठे जितने भी लोग हैं, मैं सवाल पूछता हूं, कोई महिला अगर यहां 2:30 बजे रात को, 3 बजे रात को भी बाहर निकलती है, कितनी सुरक्षित है ये गुजरात की जनता बता देगी? आराम से निकलती है, घर पे आती है। और दूसरी बात, मेरे बड़े भाई हैं पवन जी, मेरे बड़े पवन जी आप मेरे, चलिए आप मेरे छोटे भाई हैं। एक दिन मैं सारे प्रवक्ताओं की लिस्ट बनाऊंगी एज वाइज। पवन जी मेरे सब छोटे भाई, मेरे समान भाई, मेरे छोटे भाई बोलना बनना चाहते, छोटे ही सही। मैं इतना बोलना चाहूंगा पवन जी, आज मैं मुबारकबाद तो दे दूं, इतना संघर्ष करके, इतना संघर्ष करके राहुल गांधी आज अध्यक्ष बने, कितना संघर्ष किया उन्होंने, 20-20 कैंडिडेट खड़े थे उनके सामने, उनको हराया और उसके बाद अध्यक्ष बने, तो मुबारकबाद स्वीकार करिए। मुझे ये बताइए, अमित शाह के सामने कितने कैंडिडेट खड़े हुए थे भाई? अरे मैं बताता हूँ ना, कितने कैंडिडेट खड़े वोट मिले थे भाई? मैं बताता हूँ, कितने इलेक्शन से जीते? मैं बताता हूँ अमित शाह यही गुजरात से गए, जब वो साधारण परिवार से थे, इसी प्रकार जैसे दरी बिछाया हुआ है ना आपका, ये दरी बिछाने और इसी परिवार से नहीं थे, हमने तय किया था बीच में नहीं बोलेंगे, आराम से बोलेंगे। मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी बहुत गरीब परिवार से हैं। अब मुझे बोलने दीजिए, देखिए अमित शाह जी दरी बिछाते हुए, चेयर डालते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, मगर मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा और आदर पूर्वक कहना चाहूंगा, आपके पार्टी में पार्टी का अध्यक्ष पालने में जन्म लेता है, इतना क्यों जन्म लेते ही हो? जन्म लेते ही, जन्म लेते ही ओम जया अध्यक्ष हरे कमाल है। तो पहली झांकी है, 18 तारीख बाकी है। एक सेकंड, इस वक्त ये खबर आ रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री ने एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए इस बात पर दुख और चिंता जाहिर की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बारे में पाकिस्तान को लेकर ऐसी तमाम बातें कही हैं। इसको किस तरह से देखें संबित जी? नहीं, इससे मैं इतना पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री, मैं पूर्व प्रधानमंत्री जी से इतना ही पूछना चाहता हूँ, जब प्रधानमंत्री जी ने उनसे सवाल पूछा तो पहले आनंद शर्मा जी ने डिनाई क्यों किया कि मीटिंग नहीं हुई थी, और अब जब सारा सच सामने आ गया तो बोल रहे हैं अरे अरे मेरा नाम क्यों ले लिया, क्यों मीटिंग कर रहे थे? नहीं, मैं बोल रहा हूँ, कह रहे हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए, माफी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे,
माफी किस बात का? आप सारे लोग मनमोहन सिंह जी को चोर बोल रहे हैं। आप सुबह से मोदी जी को चोर बोल रहे थे। आप सुन रही हैं? आप सुबह से मोदी जी को चोर बोल रहे थे। ये मनमोहन सिंह जी बोल रहे हैं। अरे जनरल दीपक कपूर को चोर बोल रहे हैं ये? किस किस को चोर बोल रहे हैं जरा पूछिए। अरे आप इनको बताइए, गुजरात में उन्होंने मोदी जी के स्वामी के संधि में खाने पे थे, उनको चोर बोल रहे हैं? ये किस किस को चोर बोल रहे हैं ये बताएं पहले। मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं कि मेरे 50 साल के ताम्रम का तालिबान के अध्यक्ष के साथ बैठे हुए पट्टा के फोटो मोदी जी के साथ उनकी वेबसाइट पर है मोदी जी की, तो इसका क्या मतलब हुआ? अफरोज पट्टा जी, मैं एक सवाल पूछूं आपसे आदर से। उसके फोटो मोदी जी के साथ मोदी जी की वेबसाइट पर है, हम तो आरोप नहीं लगा रहे। आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी आतंकवादियों के साथ थे, आरोप नहीं लगाते हैं। आरोप लगाने तो क्यों पूछ रहे हैं? छोड़ दीजिए ना, बात करो। आरोप लगाने तो क्यों बोल रहे हैं? छोड़ दीजिए, नौजवान की बात करो, बेरोजगार की बात करो। एक से एक मोदी एक विकास, एक सेकंड सवाल जवाब, बात तो सुनिए। मोदी जी का विकास रथ रुकने वाला नहीं है। मैं उनका कंपैरिजन महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज के बराबर करना चाहता हूँ। मेरे को मौका दीजिए। बोलिए बोलिए पुखेवास। देखिए, या तो ये FIR लॉन्च करें जो तमाम लोग उस खाने पे गए थे उनके खिलाफ, या माफी मांगे आज यहीं खड़े होकर। कौन सा? या महाराणा प्रताप करें या माफी मांगे। इस तरह के बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकते। अरे गुजरात का चुनाव हो तो पाकिस्तान में चले जाते हैं, बिहार का चुनाव हो तो पाकिस्तान उसके में चले लिए जाते हैं। यहाँ आइए, ये गुजरात ये रात को चुपके चुपके जवाब दीजिए। नहीं नहीं सुनिए अंजना जी, ये रात को चुपके चुपके मीटिंग करे, कानों में फुसफुस करके पाकिस्तान से बात करे और हम सुबह माफी मांगे। जन्मदिन कौन मना रहा था? जन्मदिन कौन मनाने ये जाके ये जाके बिन बुलाए आप बताइए अंजना जी, बुलाया मैंने अंजना जी, आप बताइए केक का? अंजना जी आप बताइए, ये सच नहीं है? आज तक ने ब्रेकिंग न्यूज में दिखाया था, मणिशंकर अय्यर जी ने जाके पाकिस्तान में क्या कहा था? मोदी को हटाना होगा, ये सरकार गिराना होगा। अरे ये क्या उनके मुंह में हमने ये सब डाल दिया? हमने तो मणिशंकर अय्यर को बाहर कर दिया, बाहर कर दिया, बाहर किया। संबित पात्रा जी ने बोला मोदी देश का बाप है, पाकिस्तान दो साल पहले पाकिस्तान के बाप है, आज बाहर किया नहीं है ना? आज बाहर किया। देश का बाप सिर्फ महात्मा गांधी है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं जवाब देता हूँ, महात्मा गांधी, मैं जवाब देता हूँ, जवाब दीजिए इसका। देखिए सबसे पहली बात है, मैं राष्ट्रपिता के भूमि में खड़ा हूँ, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भूमि। आपने बोल दिया मोदी देश के बाप है, जहाँ तक इन्होंने समझिए, सुनिए सुनिए, मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार में देश का सर, मैंने कहा था बीच में मोदी जी देश के बाप है। सुनिए सुनिए सुनिए, अरे आप मैं आपको जवाब देता हूँ, 10 सेकंड दीजिए मुझे जल्दी से, 10 सेकंड। कन्हैया कुमार कहता है देश को तोड़ना होगा, कन्हैया कुमार कहता है आतंकवादियों के साथ हमें खड़ा होना होगा, मैं कहता हूँ ऐसे आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए मौजूद है, मौजूद है सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला। अरे किसान को देश को तोड़ोगे, देश को तोड़ोगे, आप महात्मा गांधी के देश को तोड़ दोगे? एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, आप सेना का सम्मान, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, पूर्व सेना अध्यक्ष पर भी आरोप लगा दिया, आपको लगता है ये सही है? आप अपने ही पूर्व सेना अध्यक्ष पर विश्वास नहीं, भरोसा करते? आपको लगता है कि कोई सेना की वर्दी पहनकर देश के साथ धोखा कर सकता है? देखिए सेना का हम सम्मान करते हैं, सबसे बड़ी बात है सेना के ऊपर अगर सबसे तल्ख टिप्पणी कोई हुई है तो वह कांग्रेस पार्टी द्वारा सेना के अध्यक्ष को सड़क का गुंडा बताते हुए हुआ। सेना अध्यक्ष को डाकू बोला था, इनके मंत्री हैं, सुनिए, जनरल वीके सिंह को इन्होंने जिस प्रकार से डाकू बोला था, इनके मंत्री बने हुए हैं, जिस प्रकार जनरल वीके सिंह का अपमानित किया था वह तो सेना अध्यक्ष सिंह को। और मैं इतना पूछना चाहता हूँ, करें दरवाजा दिखाएं, स्ट्राइक को फर्जी कहा था कांग्रेस पार्टी ने? आप बताइए सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी कहके ये कांग्रेस पार्टी नहीं बोला था किसको? बांग्लादेश किसने बनाया? इनकी पार्टी ने देने का काम कर रही थी। आप सवाल के लिए हाथ उठाइए, मैं आ रही हूँ जल्दी से। हेलो, मेरा सवाल संजीव पात्रा से है कि हमें यहाँ पे जो लोग खड़े हैं वो सभी लाइब्रेरियन से और तभी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सरकार को ये बताइए कि इस बेकारी को घटा दे और रोजगार। ये बहुत अंजना जी, ये बहुत वाजिब प्रश्न है और मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये प्रश्न पूछा। देखिए मैं आंकड़ों के माध्यम से कि कांग्रेस के समय और हमारे समय एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या थी। देखिए रोजगार से जुड़ा हुआ सवाल है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब 42/1000 यह एम्प्लॉयमेंट रेट था, जब हमारी सरकार बनी 10/1000, इतना कम हुआ। पहले 42 लोग बेरोजगार थे 1000 में, अब मात्र 10 लोग बेरोजगार है 1000 में। अनएम्प्लॉयमेंट कांग्रेस के समय रूरल में देखिए
जब कांग्रेस की सरकार उसमें रूरल सेक्टर में बेरोजगार थे। हमारी सरकार बनने के बाद हजार में मात्र 9 लोग रूरल सेक्टर में बेरोजगार। ये लोग आज भी सवाल पूछ रहे हैं ना रोजगार पर। एक और सवाल जल्दी से ले। मेरा सवाल कांग्रेस से है। हाँ। कांग्रेस कहती है गुजरात मॉडल नहीं है। तो आप प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह भी अपने घर पे खुद जनरेटर लगाते और विकास की मुद्दों से अलग दूर भागना चाहती है। मनमोहन सिंह के घर पे जनरेटर चलता है क्या कह रहे हैं? गुजरात के विकास मॉडल पर आरोप लगा रही है कांग्रेस और ये कह रही है कि गुजरात मॉडल नहीं है। तो फिर ये प्रधानमंत्री अपने घर पे भी जनरेटर लगाते और बिजली नहीं थी, अब गुजरात में हमारे सभी जगह। ठीक है, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। और कितने लोग सवाल पूछना चाहते हैं? बहुत सारे सवाल है, फेसबुक के भी सवाल लेंगे। फेसबुक के सवाल, एक छोटे से ब्रेक। राजचलक में गांधीनगर से एक बार फिर आपका स्वागत है। 2 सवाल अब हम फेसबुक पर जल्दी जल्दी लेंगे। विशि शर्मा पूछते हैं कि मोदी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग अहमद पटेल को मुख्यमंत्री बनवाना चाहते हैं। हमारा सवाल है कि मोदी जी बताएं, पाकिस्तान के लोग कब से गुजरात में वोटर हो गए और मोदी जी गुजरातियों को क्यों पाकिस्तानी कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान के लोग गुजरात में वोटर वैसे ही नहीं है, जैसे पाकिस्तान के लोग यहाँ रहते तो नहीं है मगर आतंकवादियों को भेजकर यहाँ आतंक का नजारा जरूर बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार मेरा एक सिंपल सवाल है, आप बताइए, वो तो आ रहे थे यहाँ शादी खाने के लिए, आपने अपने घर में खाना क्यों खिलाया, इतना बता दी। अगला सवाल प्रदीप मेरावत का है। दोनों ही पार्टी के नेताओं से ये सवाल है कि बेरोजगारी से परेशान लोगों के लिए इन लोगों ने क्या प्लान तैयार किया है, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ निवेश की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जो मेक इन इंडिया इन लोगों ने बहुत नारे बहुत जुमले दिए कुछ कर नहीं पाए। यहाँ 60,000 लूम सूरत तक में अकेले में सूरत में बंद हो गए, जहाँ 21 लाख लोग बेरोजगार हो गए। डायमंड पॉलिशिंग यहाँ बहुत बुरी हालत में आ गया जब से नोटबंदी और GST आया है। तो ये सारी समस्याओं को हमें निपटा ठीक करना है, उसके लिए हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार की है जो हमारे मैनिफेस्टो में बड़ी क्लियर लिया है। चलिए, जितनी गुजराती मैसेज सकती थी, तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गांधीनगर की जनता ने आज दागे जबरदस्त सवाल और नेताओं ने दिया है जवाब। राजचलक में गांधीनगर से इतना ही, लेकिन देश दुनिया के बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।